consider myself a particularly ethical person. Hey everybody, this is Patricia. This is my family. बैकी ने कैसे खोज निकाली गुची की कुंडली? मूवी के रिलीज डेट के पीछे क्या है राज? पैट्रिसिया को ब्लैक विडो क्यों नाम दिया गया? लेडी गागा कौन से ट्रांसफॉर्मेशन में गई मूवी के लिए? हे गाइस, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। यहाँ आपको मिलेगी फिल्मों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड अपडेट्स, साथ ही चस्का लगेगा फैक्ट्स का और एंटरटेनमेंट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ गुची के बारे में। मॉरिजियो गुची का मर्डर और इस पर बनी 100 झूठी कहानियों और इन कहानियों पर पर्दा डालने और सच्चाई दुनिया को बताने के लिए गुची फैमिली के रीसेंट ओनर मार्को बिजारी ने रिडली स्कॉट को एक मूवी बनाने की परमिशन दी थी, ये सोच कर कि एटलीस्ट रिडली गुची खानदान को जस्टिस दिलाएंगे, मूवी के थ्रू सच्चाई बताएंगे। लेकिन रिसेंटली गुची फैमिली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मूवी को वाहियात मूवी कहा। जी हाँ दोस्तों, गुची फैमिली का मानना है कि सबसे पहले तो मूवी ने एक्ट्रेस सही चूज नहीं किए, उन्हें किसी हाई बजट एक्ट्रेस को चूज करना चाहिए था जिससे मूवी और गुची फैमिली दोनों का स्टैंडर्ड हाई लगता। इतना ही नहीं दोस्तों, गुची फैमिली ने तो ये भी कह दिया कि अच्छा होगा अगर ये मूवी रिलीज ही ना हो। दोस्तों, आज तक इतनी स्टाइलिश मूवी नहीं बनी होगी जितनी हाउस ऑफ गुची होने वाली है, और वो भी क्यों ना, दुनिया के लग्जूरियस ब्रांड्स में से एक ब्रांड में आने वाली ब्रांड है गुची। ये मूवी गुची खानदान के ड्रामेटिक लाइफ को रिफ्लेक्ट करने जा रही है। मूवी 26 नवंबर 2021 को रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि 100 साल पहले इसी दिन को यह ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ था और इस ब्रांड के 100 साल पूरे होने पर एक बार फिर से मूवी में गुची ब्रांड एस्टेब्लिश होने जा रही है। आपको बता दें, ये मूवी पहले OTT पर आने वाली थी लेकिन अब ये सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाउस ऑफ गुची को रियल फाउंड 1881 में गुची और गुची ने किया था, पर ये ब्रांड 1995 में मॉरिजियो गुची के मौत से ज्यादा फोकस में आए। ये मर्डर पैट्रिसिया ने किया था जो थी उनकी एक्स वाइफ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। जब पैट्रिसिया जेल पहुंची तो उसे ब्लैक विडो का नाम दिया गया और ये ब्लैक विडो इतना हॉट टॉपिक बन गया था उस वक्त इटली की हर न्यूज चैनल में काफी दिनों तक ये टॉपिक चलता रहा। ये ब्लैक विडो इसीलिए नाम दिया गया था क्योंकि पैट्रिसिया पूरे गुची एस्टेट पर अपना कंट्रोल चाहती थी। उसने कई सारे ब्लैक सुपरस्टिशन एक्टिविटीज भी फॉलो किए थे ताकि गुची को अपने कंट्रोल में कर पाए। बता दें कि लेडी गागा पैट्रिसिया का कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो लेडी गागा ने इसे प्ले करने के लिए बेले है कई पावर। आपको बता दें कि किसी और के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके उसे एक्ट करना कोई आसान बात नहीं है और साथ में फैंस को खुश भी करना है। लेकिन लेडी गागा ने इस एक्ट के लिए दिन रात मेहनत की। वो एक ऐसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में गई जो कोई सोच भी नहीं सकता। दुबली पतली लेडी गागा हाउस ऑफ गुची मूवी में चबी कर्वी नजर आए। लेडी की इस ट्रांसफॉर्मेशन ने सोशल मीडिया पर तो तारीफों की आग लगा दिए और फैंस तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे दोस्तों कि यही लेडी गागा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट तो काफी होगी। क्या इस वीडियो से पहले आप हाउस ऑफ गुची के बारे में इतना कुछ जानते थे? प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसे ही कुछ लेटेस्ट फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।